हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल हाथ का हुनर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये डिजाइन बताने वाली हूँ। ये बॉर्डर का डिजाइन है, ये कटवर्क का डिजाइन भी इसे कहा जाता है और ये डबल में बनता है, डबल बुनाई होता है इसका। इस डिजाइन को आप बच्चों के फ्रॉक में, स्वेटर में, कार्डिगन, बच्चों के कैप, सॉक्स में डाल सकती हैं और बड़ों के आस्तीन में भी ये बहुत ही खूबसूरत बन के आता है। इस डिजाइन को आप बनाने के लिए जितना फंदा आपको बॉर्डर में डालना है अपने हिसाब से बॉर्डर डाल लें और उसके बाद कुछ सिलाई सीधा उल्टा बुन लें। जितना चौड़ाई बॉर्डर का रखना है उतना सीधा उल्टा बना लें और उसके बाद ये कटवर्क का डिजाइन बनाएं। तो देखिए, जब मैंने इसमें सिलाई में कुछ फंदे डाल रखे हैं और 6 सिलाई सीधा उल्टा बुन लिया है। आप अपने चौड़ाई के हिसाब से ये सिलाई बुनें, जितना चौड़ा रखना है उतनी सिलाई आप नाप के बुन लें और उसके बाद ये बॉर्डर बनाना शुरू करें, एक कटवर्क का डिजाइन बनाना शुरू करें। इसके लिए क्या करना होगा, एक फंदा हम बगैर बुने हुए उतार लेंगे और धागा को सिलाई पर दो बार इस तरह से लपेटेंगे। ये दो बार लपेटने के बाद ये दो फंदा को एक साथ सीधा बुन लेंगे। दो बार इस तरह से धागा लपेटे और दो फंदा को एक साथ बुन लें। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनाना है। दो बार सिलाई पर धागा लपेटे और दो फंदा को एक साथ बुने, एक दो। यहां पे सिर्फ एक फंदा बच गया है तो इसे एक को सीधा बुन लें। देखिए, ये जाल बन गया, यही कटवर्क का डिजाइन बनकर आएगा। अब देखिए, उल्टा में सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये जो सिलाई पर दो बार लपेटा था इसको भी बुनकर खोल लेना है और उल्टा बुन लेना है, इसको भी बुन लेना है और ऐसे खोल लेना है। पूरी सिलाई इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनना है। ये दो बार धागा लपेटा हुआ है, इसको भी खोल के गिरा देना है। एक फंदा को बुने और फिर इसको भी, जाल वाला फंदा को भी बुन ले और इसे खोल के गिरा दे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए, ये जाल वाला जाल, लंबा लंबा जाल बन गया है। अब हम जितनी सिलाई यहाँ पे बुने हैं नीचे की तरफ, उतनी ही सिलाई हम यहाँ बुनेंगे, इसके ऊपर इसके बराबर का बुनाई करेंगे। तो हम बुन के बताते हैं। ये पूरी सिलाई सीधा उल्टा हम बुनेंगे, इतना चौड़ा सीधा उल्टा बुन लेंगे, उसके बाद हम बुन के बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाई मैंने इसके जाल के ऊपर भी बुन लिया है। जितना यहाँ बुना हुआ है उतना ही आपको यहाँ बुनना है, इसे गिन लेना है। जितना यहाँ पे है सिलाई, ये वी शेप है, इसे गिन लें, 1 2 3 4 5 6। देखिए, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे 6 बुना है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से बराबर बराबर से, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, गिन के होना चाहिए। और इस तरह से अब हम इसे फोल्ड करेंगे, इसे डबल कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, ये फंदा जो है, एक फंदा यहाँ इसके बराबर का फंदा जो यहाँ नीचे से गया है, देखिए ये वाला फंदा, इसको हम इधर से सिलाई पर लेंगे, ये वाला फंदा इसके बराबर में आता है, एक कम या एक ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये तिरछा हो जाएगा बॉर्डर। इसलिए ध्यान रहे कि बिल्कुल बराबर वाला फंदा लें। और इस तरह से देखिए, ये मैंने एकदम बराबर का फंदा लिया है इसका, इसके नीचे वाला, और इसको इस तरह से सिलाई पर डाल दें और ये दोनों फंदा को एक साथ बुन लें इस तरह से। अब हम दूसरे फंदे के साथ, इसके बाद वाला फंदा, दूसरा वाला, इसके बाद वाला ये है दूसरा, इसको हम इस पर डालेंगे।
और एक फंदा ये और एक वो मिला के दोनों को एक साथ बुन लेंगे। अब फिर इसी के बाद इसके बाद वाला जो जस्ट इसके बाद में है ये वाला है, इसको चढ़ा लें इसे और ये दोनों को एक साथ इस तरह से बुन लें। अब इसके बाद वाला ये है, हर एक फंदा को, एक फंदा भी छोड़ना नहीं है, सारे फंदे को एक साथ बुनना है और दो को बुन ले। फिर इसके बाद वाला कौन सा है, ये वाला है, देखिए ये वाला है, इसको ऐसे चढ़ा दे और ये दो फंदा को एक साथ बुन ले। अब इसके बाद वाला ये है, इसको चढ़ा ले, ये बहुत ही आसानी से ये डिजाइन बन जाता है। जिस फंदे को हम यहां से ले रहे हैं उसके जस्ट नीचे वाले फंदे को हमें लेना है और ये शुरू में ही ध्यान देना होगा, सबसे पहला फंदा को चढ़ाना होगा, एक फंदा भी नहीं छूटा, सारा फंदा एक साथ बराबर से बुना गया। अभी लास्ट वाला भी देखिए यहाँ है, इसको भी इस तरह से बुन ले, देखिए ये बिल्कुल सीधा सीधा बन गया दोनों तरफ से, देखिए किस तरह से बना, कितना आसान है बनाना इस डिजाइन को। अगर मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप देख सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।